Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the second chapter of SST book of standard 5. The name of the book is Social Studies Success and the name of the chapter is Maps Our Guides. We will start reading the chapter. Our Earth is a vast planet and it is so beautiful that we would like to see and know about every part of the Earth. A globe can be useful when we want to study the Earth as a whole, but when we want to study about only a specific part of the Earth, as our country, state or town, it is of little help. In such a situation, we use maps. A map is a drawing of the Earth's surface or a part of it on a flat surface according to a scale. It can be folded, put into pocket and is easy to carry. Maps give us more specific and detailed information as compared to a globe. Even the smallest area can be enlarged and shown on a map. हमारा जो अर्थ है वो एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट है और ये इतना सुंदर है कि हम लोग जानना चाहेंगे कि अर्थ का हर एक पार्ट कैसा है, ठीक है? ग्लोब यूज़फुल होता है, ग्लोब के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, तो ग्लोब यूज़फुल होता है अर्थ के बारे में जानने में, जब हम लोग पूरे अर्थ के बारे में एट अ टाइम जानना चाह रहे हैं, अर्थ एज अ होल, पूरे होल अर्थ के बारे में एक बार में जानना चाह रहे हैं, तो ग्लोब यूज़फुल होता है। पर जब हम लोग अर्थ के कोई एक स्पेसिफिक पार्ट को पढ़ना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक पार्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, मान लीजिए इंडिया कि हम रिवर्स के बारे में सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि इंडिया कंट्री के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो पूरे अर्थ के कोई एक स्पेसिफिक पार्ट को जब हम लोग जानना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक कंट्री, स्टेट या टाउन, तब उसमें ग्लोब इतना हेल्पफुल नहीं होता है, ठीक है? उस समय क्या है, वैसे सिचुएशन में हम लोग मैप यूज़ करते हैं। मैप क्या होता है, वो अर्थ के सतह के ऊपर जो चीज़ें हैं, हाँ, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो चीज़ें हैं उसका एक ड्राइंग होता है, या फिर कोई अर्थ के सरफेस के ऊपर के कोई एक पार्ट, कोई एक कंट्री का, टाउन का, सिटी का एक ड्राइंग होता है एक फ्लैट सरफेस में एक स्केल के हिसाब से। मतलब जिस तरह बुक एक फ्लैट सरफेस होता है, बुक में सब लिखे रहते हैं, ड्राइंग्स बने रहते हैं, उसी तरह एक प्लेन सरफेस में, पेपर में, कपड़े में, किसी के ऊपर एक ड्राइंग बना रहेगा, फ्लैट प्लेन सरफेस में ड्राइंग बना रहेगा किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में या माउंटेंस, रिवर्स किसी के बारे में, तो उसको हम लोग मैप कहेंगे। अब मैप जो है हमेशा स्केल के हिसाब से बनाया जाता है। आप देखिए, अगर हम लोग प्लान करेंगे, ये जो है रांची से भूटान अगर हम लोग जाएंगे तो 1100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। क्या मैप में हम लोग उस डिस्टेंस को 1100 किलोमीटर दिखा सकते हैं? तब तो इतना बड़ा मैप हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, मैप में एक स्केल हम लोग दिखाते हैं कि हम लोगों ने मैप में जो है 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर दिखाया है। इस टाइप का मैप में स्केल नीचे लिखा रहता है, नीचे या ऊपर लिखा रहता है कि 100 किलोमीटर्स इक्वल्स 1 सेंटीमीटर इन मैप, ठीक है? तो मैप में जितने सेंटीमीटर्स का दूरी है तो चलो पता चलेगा कि इतना, ये 1100 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है? तो मैप में हमेशा स्केल बनाया जाता है। जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको मैप में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो, इसीलिए उसको स्मॉलर डिस्टेंस के रूप में किया जाता है। पर हम लोग कैसे जानेंगे वो किस रेशियो में किया है, इसीलिए ये दिखा जाता है कि हाँ, ओ 1 सेंटीमीटर की दूरी दिखा रहा है मैप, मतलब ये यहाँ पे 100 किलोमीटर पूरा हुआ है, 2 सेंटीमीटर मतलब 200 किलोमीटर पूरा हुआ है, इतनी इतनी, मतलब ये दो जगह एक दूसरे से कितनी दूर है इसका हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैप का और क्या एडवांटेज है, मैप को हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, ठीक है? ईजी टू कैरी, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और मैप्स जो है कोई एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बहुत ही स्पेसिफिक और डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है एज़ कम्पेयर टू ग्लोब। क्यों? क्योंकि ग्लोब में एट अ टाइम पूरे अर्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन रहता है, हाँ, पूरे अर्थ के एरियाज़ के बारे में रहता है, पर मैप में जो है वो पर्टिकुलर, मान लीजिए हम इंडिया का मैप खरीदे तो इंडिया के स्टेट्स के बारे में हमको अच्छे से मिलेगा, अगर पॉलिटिकल मैप खरीदे, किसी और कंट्री का खरीदे तो उस कंट्री के स्टेट्स के बारे में मिलेगा, तो जो है, या फिर हम लोग मान लीजिए अपने ही टाउन का मैप एक कहीं से इंतज़ाम किए तो इसमें हमारे टाउन का डिटेल्स दिया रहेगा कि हमारे टाउन में कौन से एरियाज़ कहाँ पे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़, किस एरिया में बैरन लैंड है, किस एरिया में गली है, रिवर्स है, ये सब कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहता है मैप में, जो कि ग्लोब में नहीं हो पाता है।
मैप में सब बहुत छोटे से छोटे एरिया, स्मॉलेस्ट एरिया को भी एनलार्ज करके बनाया जा सकता है, बड़ा करके दिखाया जा सकता है. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स अवेलेबल. फिजिकल मैप्स विच डिपिक्ट फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एट्सेट्रा. पॉलिटिकल मैप्स विच शोज डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टेट्स विद देयर बाउंड्रीज. Thematic maps which focus on specific information such as rainfall, vegetation, etc. Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. Maps can be bound together in a book called Atlas. However, maps have their own limitations. Since the surface of the earth is curved, it cannot be shown accurately on a flat surface like paper. The study of maps is called cartography. The person who makes a map is called cartographer. Up. कुछ मेन मेन तरह का मैप्स जो अवेलेबल है, जो कि मार्केट में मिलता है, एक है फिज़िकल मैप, एक है पॉलिटिकल मैप और एक है थीमेटिक मैप. फिज़िकल मैप में क्या है, आपको फिज़िकल फीचर्स दिखाई देगा. हाँ, जैसे फिज़िकल फीचर्स मतलब जो नेचुरली ऑकर कर रहा है अर्थ के ऊपर, जैसे कि माउंटेंस, प्लेट्यू कहाँ है, रिवर्स कहाँ है, ओशंस कहाँ है, वो सब आपको फिज़िकल मैप में दिखाई देगा. अगर हम लोग इंडिया का फिज़िकल मैप लाएंगे तो क्या होगा, उसमें सिर्फ बाउंड्रीज बनी रहेगी, उसमें हम लोग को पता चलेगा ओशंस कहाँ हैं, हमारे कंट्री और दूसरे कंट्रीज़ के बीच का बाउंड्री कहाँ कहाँ है. और उसमें अगर हम लोग माउंटेंस वाले लाएंगे तो माउंटेंस मार्क रहेगा, नहीं तो हम खुद इसमें माउंटेंस मार्क कर सकते हैं. ठीक है, पॉलिटिकल मैप जो है वो अलग अलग कंट्रीज़, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ का होता है पॉलिटिकल मैप, और उसमें उनके स्टेट्स भी बने रहते हैं. इंडिया का जो अगर हम लोग पॉलिटिकल मैप लाएंगे तो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स का बाउंड्री पूरा उसमें बना हुआ रहेगा. ठीक है, अब थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बना रहता है, स्पेसिफिक टॉपिक पे बना रहता है और उसके बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है. जैसे कि हम एक थीमेटिक मैप लाए हैं रेनफॉल के बारे में, तो उसमें पूरा अच्छे से बताया होगा कि किस एरिया में कहाँ ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, कितना सेंटीमीटर, किस एरिया में कम रेनफॉल हो रहा है. इसी तरह वेजिटेशन के बारे में कि कहाँ पे पेड़ पौधे कितने अमाउंट में हैं, कैसे पेड़ पौधे हैं, किस तरह डेसिडुअस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, किस तरह के फॉरेस्ट है, उसके बारे में दिया रहता है. सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप्स. अब जैसा इंफॉर्मेशन है, अगर रेनफॉल के बारे में है तो ऊपर टाइटल भी मैप में दिया रहेगा, रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया ओवर अ ईयर, इस टाइप का लिखा रहेगा, टाइटल दिया रहेगा. अब है कि बहुत सारे मैप्स को एक जगह जोड़कर एक बुक बनाया जाता है, बाइंड करके बुक बनाया जाता है, जिसको कि हम लोग एटलस कहते हैं. एटलस ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट के पास होता है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आप दूसरे कंट्रीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, उनके ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर आप जानना चाहेंगे या आपको स्कूल से ये वर्क मिला कि आप ऑस्ट्रेलिया के मैप में आप दिखाइए वहाँ डेजर्ट एरिया कहाँ है, रिवर एरिया कहाँ है, तो वो सब आप वो एटलस के थ्रू देख के उसमें बना सकते हैं. एटलस में बहुत तरह तरह के डिफरेंट कंट्रीज़ के भी मैप जुड़े रहते हैं. पर मैप्स का अपना लिमिटेशन भी है ना, उसका भी एक हद है. हमारा अर्थ कैसा है, एक स्फीयर है ना, गोल कर्व्ड सरफेस है, पर मैप कैसा है, फ्लैट सरफेस है. तो इसीलिए पूरी तरह से अर्थ को उसमें दिखाना थोड़ा पूरा एक्यूरेटली जैसा कि अर्थ में एक्चुअली है वैसा मैप में दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है. द स्टडी ऑफ मैप्स. मैप्स को पढ़ना जो होता है, लोग पढ़ के समझते हो मैप ये बता रहा है वो बता रहा है, वो कार्टोग्राफी कहते हैं, स्टडी ऑफ मैप्स. और जो आदमी मैप्स बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं. ठीक है, उसे हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लैंग्वेज ऑफ मैप्स. मैप्स आर वेरी हैंडी टू कैरी एंड दे हेल्प इन लर्निंग अबाउट द अर्थ. टू रीड अ मैप करेक्टली एंड एक्यूरेटली इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अ मैप. Maps are very handy to carry and they help in learning about the earth. To read a map correctly and accurately, it is necessary to understand the language of a map. Every map has colors, directions, signs, symbols and scale. This is called the language of the map. Maps बहुत handy होते हैं carry करने के लिए, है ना, आराम से आप हाथ में पकड़ के चल देंगे, pocket में रख लेंगे. ठीक है, और आप earth के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं उसमें वो बहुत help करते हैं. कोई मैप को बिल्कुल सही सही से पढ़ने, करेक्टली आप पढ़े, सही तरीके से पढ़े और एक्यूरेटली बिल्कुल जैसा मैप बताना चाह रहा आप वैसे ही पढ़े, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लैंग्वेज ऑफ मैप्स जाने,
कि आखिर मैप को किस तरह से पढ़ा जाता है, या आप जानें कि मैप की भाषा क्या है। हर मैप का अलग कलर होता है, उसमें डायरेक्शंस अलग तरीके से बताए रहते हैं, साइंस उसमें कुछ बना रहता है कि हाँ अगर मान लीजिए ट्राइंगल साइन बना है तो बताएंगे कि हाँ यहाँ आयरन ओर मिलता है, इस टाइप का सिंबल्स बना रहता है। और सिंबल्स है कि अब जहाँ रेलवे ट्रैक है वहाँ के लिए एग्जैक्टली रेलवे ट्रैक का एक जो छोटा डिज़ाइन पैटर्न होता है सिंबल वो बना रहता है, और स्केल बना रहता है। स्केल के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, तो ये सब को ही कहते हैं लैंग्वेज ऑफ मैप। ठीक है, कि मैप में कैसे कैसे कलर, डायरेक्शन, साइन, सिंबल और स्केल बना रहता है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शंस, देर आर फोर मेजर डायरेक्शंस विच हैव बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज द सेम सिस्टम ऑफ डायरेक्शंस। ऑल मैप्स फॉलो द सेम सिस्टम ऑफ शोइंग डायरेक्शंस। द टॉप डायरेक्शन इज द नॉर्थ, साउथ इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द नॉर्थ, टू आवर राइट इज द ईस्ट एंड टू आवर लेफ्ट इज द वेस्ट। क्या है कि डायरेक्शन जो मैप में दिखाया जाता है वो पूरे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ के मैप में उसी तरीके से डायरेक्शन दिखाते हैं। एक प्लस सिंबल बनाएंगे टॉप ऑफ द मैप में, उसमें जो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा वो नॉर्थ होगा, जो नीचे की तरफ मैप के नीचे की तरफ पॉइंट करेगा वो होगा साउथ, जो राइट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो ईस्ट, और जो लेफ़्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो होगा वेस्ट, जो हमारे हैंड के राइट साइड में होगा, राइट हैंड साइड में होगा वो ईस्ट है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो वेस्ट है। देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जब आप ये प्लस बनाएंगे तो जो है आप वो प्लस के मिडिल में अगर आप खड़े रहेंगे और मैप में नीचे की तरफ देखेंगे तब आपके राइट हैंड डायरेक्शन वाला ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन वाला वेस्ट होगा। इस बात को समझिए, हाँ, जब आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े रहेंगे। अब है कि अब हम लोग सब डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वंस यू हैव ग्रास्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शंस, इट इज़ ईजी टू फाइंड द सब डायरेक्शंस बिटवीन द टू मेजर डायरेक्शंस। North and east lies the sub-direction northeast. In the same way, between north and west lies the northwest, and so on. There are four major sub-directions, that is north, east, northwest, southeast, and southwest. ये sub-directions भी बहुत important है जानना। हम लोगों ने पढ़ा कि हम अगर south की तरफ face करके खड़े रहेंगे तो हमारे right side में east है, left side में west है। ऊपर तो map का जो ऊपर की तरफ point करेगा वो north होगा और downward के side जो होगा वो south होगा। अब है नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल में जो डायरेक्शन जाएगा वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। अब ईस्ट और साउथ के मिडिल में जो डायरेक्शन जाएगा वो साउथ ईस्ट कहलाएगा। इसी तरह ईस्ट ये साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन साउथ वेस्ट कहलाएगा, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह चार सब डायरेक्शंस भी है, चार मेन डायरेक्शंस है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और चार सब डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, स्केल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द साइज ऑफ ईच कंट्री एंड सिटी ऑफ द अर्थ ऑन अ मैप। फॉर एग्जाम्पल द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कलकत्ता इज अबाउट 1400 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, बट ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज रेड्यूस टू जस्ट ए 14 सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। दिस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ द मैप। स्केल कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अ मैप विदाउट अ स्केल इज कॉल्ड अ स्केच। There are two ways of showing the scale on the map. 1 centimeter is equal to 100 kilometer, which means that a distance of 1 centimeter on the map represents 100 kilometer on the ground by means of a line. The line is divided into many parts. Each part of the line shows some ground distance. It is marked on the scale. क्या है कि scale होता है। अब हर एक कंट्री का जैसा साइज़ है या कोई सिटी का साइज़ है उसको मैप में दिखाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि दिल्ली और कलकत्ता के बीच का डिस्टेंस 1400 किलोमीटर है, तो क्या हम मैप में 1400 किलोमीटर ड्रॉ करके दिखा पाएंगे? नॉट पॉसिबल। इसीलिए उसको रिड्यूस कम करके मैप में कितनी दूरी दिखाया गया है, 14 सेंटीमीटर की दूरी है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जितना 100 किलोमीटर को हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर से दिखाया है मैप पर। ठीक है, इसी को स्केल ऑफ द मैप कहेंगे।
स्केल ऑफ द मैप हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. ठीक है, जितना डिस्टेंस मैप में दिया है उसको डिवाइड करेंगे जितना एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड में है, और वही स्केल ऑफ द मैप होगा. ठीक है, वो स्केल ऑफ द मैप होगा. जैसे कि दिल्ली और कलकत्ता के बीच का जो है, क्या है रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप, दिल्ली और कलकत्ता के बीच का रेशियो डिस्टेंस मैप में 14 दिखाया गया है, 14 सेंटीमीटर, और एक्चुअल वो 1400 है ना. तो उसको 14/1400 जब हम लोग करेंगे तो पता चल जाएगा कि मैप में एक सेंटीमीटर को जो है वो 100 किलोमीटर के बराबर दिखाया गया है. ठीक है, अब और एक तरीका स्केल दिखाने का क्या है कि वहाँ पे बना रहता है. आपके बुक में भी वो फिगर दिया है, आप देखिएगा, वो मैप में बना रहता है, शेडेड लाइन जैसा बना रहता है. ठीक है, लाइन को बहुत सारे अलग अलग पार्ट में दिखाया गया है. ईच पार्ट ऑफ द लाइन शोज सम ग्राउंड डिस्टेंस इट इज़ मार्क्ड ऑन द स्केल. ठीक है, जैसे कि अगर मैप में वो, जैसे लाइन में कुछ डार्कर शेड्स है, कुछ लाइटर शेड्स है, तो जो डार्कर शेड्स है वो मैप में जहाँ दिखाएगा तो पता चलेगा कि ओ 0 से 50 किलोमीटर दिखा रहा है. ठीक है, फिर लाइटर शेड दिखाएगा 50 से 100 किलोमीटर दिखा रहा है. इस तरह से वो शेड के रूप में दिखाया जाता है. अब आ जाते हैं हम लोग कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स. मेनी टाइप्स ऑफ साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू शो वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ मैप. फॉर एग्जांपल, अ मेटल रोड इज डिपिक्टेड बाय टू स्ट्रेट लाइंस. A capital city is marked on a scale by on a map by a small circle enclosed within a bigger circle. If we memorize these conventional symbols, they help us to read information given on maps. तो conventional signs and symbols use किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें तो मैप में बना बना के ड्राइंग दिखाई नहीं जा सकता, तो छोटे छोटे सिंबल्स से उनको दिखाया जाता है. जैसे कि एग्जांपल के लिए मेटल रोड. मेटल रोड क्या होता है? पूरा कॉन्क्रीट रोड, जो सीमेंटेड रोड अच्छे से बनाया जाता है उसे ही मेटल रोड कहते हैं. तो जो मेटल रोड है वो कैसे दिखाया जाता है? दो पैरेलल लाइंस बनाई जाएंगी, हाँ, दो हंसे से करके स्ट्रेट लाइंस बनाई जाएंगी एक के नीचे एक, तो वो मेटल रोड दिखाएगा. इसी तरह कोई कैपिटल सिटी, मान लीजिए हम लोग को दिखाना है चेन्नई, दिखाना है कैपिटल सिटी, तो वो कैसे दिखाता है? एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल बना रहेगा. तो कई बार होता है ऐसे मैप देखते 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 हम लोग को हैबिट हो जाती है और हम लोग को वो सिंबल्स याद होने लगता है कि कौन सा सिंबल क्या डिपेक्ट करता है. अगर हम उनको पूरा याद कर ले तो मैप पढ़ने में हमको आसानी होगी. जैसे कि आपके बुक में बहुत सारे डायग्राम बनाए हुए हैं. इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाया गया है, जो थोड़ा सा ये हाइफन जैसा है, फिर डॉट है, फिर हाइफन है, फिर डॉट है, इस टाइप का है. स्टेट बाउंड्री छोटा छोटा हाइफन्स है. मेटल रोड तो बताया, ब्रिज का, रेलवे लाइन, डैम, वेल एंड टैंक, स्ट्रीम, फॉरेस्ट, कैपिटल सिटी, टेंपल, चर्च, मॉस्क, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, रेस्ट हाउस, ये सब का सिंबल्स बना हुआ है. मैं जब ये जो है इसके साथ में थ्योरी को भी अपलोड करूँगी, मेरे वीडियो के साथ ही थ्योरी का पिक अपलोड करूँगी, तो उसमें आप देख पाएंगे. ठीक है, तो ये सब है कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स. कन्वेंशनल का मतलब है जो इतने सालों से चला आ रहा है ट्रेडिशनल तरीके से, और उसको पूरे वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं. कलर्स, डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन अ मैप. मैप्स यूजुअली फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ कलर्स. वाटर बॉडीज लाइक ओशंस, रिवर्स, सीज एंड लेक्स आर शोन इन ब्लू कलर ऑन अ मैप. ग्रीन कलर डिपिक्ट्स प्लेन्स और लो लैंड्स. माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स आर शोन इन ब्राउन. प्लेटूज आर मार्क्ड इन येलो. दिस की इज़ यूज इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. सी द मैप शोइंग द स्कीम ऑफ कलर्स यूज. अब है कि अलग अलग लैंड फॉर्म है, हाँ, कि ज़मीन का वो एरिया में क्या है वो दिखाने के लिए कलर्स यूज़ किया जाता है. और जनरली होल वर्ल्ड में सेम पैटर्न ऑफ कलर ही यूज़ करते हैं. जितना भी वाटर बॉडी है, ओशन है, रिवर है, लेक है, सी है, ये सबको ब्लू कलर से दिखा रहा है. जितना प्लेन लैंड है या लो लैंड है, जहाँ की नीचे की ज़मीन है, जहाँ पे की फार्मिंग हो सकती है, वो सबको ग्रीन कलर से दिखाता है. जितना माउंटेन्स है और ऊँचे ऊँचे एरिया में, हाई ऑल्टीट्यूड में जो लैंड सब है, हाइट पर जो लैंड है, हाई लैंड सब, वो सबको ब्राउन कलर में. और जितने भी प्लेट्यूज़ हैं, प्लेट्यूज़ आप समझते हैं ना, टेबल जैसा जो लैंड होता है, थोड़ा ऊंचा रहेगा, ऊपर से फ्लैट रहेगा,
जैसे हम लोग का छोटा नागपुर प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है, तो प्लेटू सब येलो कलर का होता है। तो नॉर्मली ये ही सब साइंस सिंबल और स्केल कलर्स ये सब यूज़ करते हैं डायरेक्शंस मैप में मैप को पढ़ने के लिए। ठीक है, आप लोग को बहुत समझ में आया ना ये मैप्स कैसे पढ़ा जाता है, पूरा क्लियर हुआ होगा। आपकी बुक में एक थीमेटिक मैप का भी एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें एनुअल रेनफॉल दिखाया जा रहा है ना, आप उसको ध्यान से देखिए। उसमें अलग अलग कलर्स में, जैसे डार्क पर्पल कलर है तो उसमें बता रहा है कि अबव 400 सेंटीमीटर रेनफॉल वहाँ पे ईयरली हुआ है। ऊपर टाइटल भी दिया हुआ है इंडिया एनुअल रेनफॉल, माने एक साल में कितनी बारिश, किस एरिया में कितनी बारिश हो रही है उसको उन्होंने अच्छे से दिखाया है, ये थीमेटिक मैप। और आपके बुक में और एक पेज में दिया है पॉलिटिकल मैप दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग सारे स्टेट्स को उन्होंने मार्क किया है, स्टेट्स के कैपिटल को भी मार्क किया है, साथ ही साथ उन्होंने जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका भी नाम लिखा है। फिर इसी तरह एक फ़िज़िकल मैप आपके बुक में दिया हुआ है, फिज़िकल मैप आपके बुक में दिया हुआ है जिसमें कि उन्होंने रिवर, डेजर्ट, प्लेन लैंड, प्लेटू, ये सब को उन्होंने मार्क किया है, अलग अलग कलर्स, रिवर्स को भी उन्होंने मार्क किया है, ब्लू स्काई ब्लू कलर से रिवर को मार्क किया, ब्राउन कलर से माउंटेंस को, ग्रीन कलर से कोस्टल एरियाज को, लाइट ग्रीन कलर से प्लेन्स को, येलो कलर से डेजर्ट को और पिंक कलर से प्लेटू को मार्क किया है। आपके बुक में ये दिया हुआ है तो आपको पता चल गया इंडिया का फिजिकल मैप का एग्जाम्पल दिया है, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप का एग्जाम्पल सब दिया हुआ है, जिससे कि ये पूरा क्लियर हो जा रहा है ना कि मैप्स कैसे कैसे तरीके के होते हैं। ये चैप्टर ईजी है ना, बहुत ईजी है, आप इसको अच्छे से रीड करिए बुक से, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने जो समझाया है उससे भी आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। कीप रीडिंग, थैंक यू।